दरअसल ये दिल्ली सचिवालय है, दिल्ली सरकार का हेडक्वार्टर है और इसमें एफटू के अलावा और चार संगठन और हैं। मुख्य जो विरोध का सवाल है वो सवाल है कि केंद्रीय सरकार जो चार लेबर कोड लाई है और उसके जो नियम बनाए हैं वो नियम अभी भी केंद्रीय सरकार औपचारिक तौर से लागू नहीं करा पाई, क्योंकि मजदूरों का रोष रहा है, किसान आंदोलन का डर है। लेकिन दिल्ली सरकार ने चार कमेटी बना दिया है जॉइंट लेबर कमिश्नर के नेतृत्व में, और जो किस तरह से इनको दिल्ली में लागू किया जाए ये दिल्ली सरकार ने औपचारिक तौर से नोटिफिकेशन जारी किया। तो हमारा विरोध इसलिए है कि चार लेबर कोड दरअसल मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट परस, मालिक परस्त है, तो इसीलिए इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग दिल्ली सरकार का भी विरोध करते हैं इन चार लेबर कोड को दिल्ली के मजदूरों में लागू करें। तो क्या आप मानते हैं कि केंद्र सरकार के साथ पे ये दिल्ली सरकार भी चल रही है? तकरीबन हाँ, क्योंकि सिर्फ कथनी और कंडी में फर्क है, और केंद्रीय सरकार जो नियम लागू कर रही है मजदूरों के लिए वही नियम ये भी लागू कराने की कोशिश कर रही है। दरअसल एक कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स है कि मालिकों के दलाल, कॉर्पोरेट के दलाल कौन बड़ा है, मोदी की सरकार बड़ी है। इस समय यहाँ सेक्टर 68 पे जो है चार ही पाँच ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल हमने तमाम ट्रेड यूनियंस को किया, ये सेंट्रल सेक्रेटरी है दिल्ली सचिवालय, हाँ दिल्ली सचिवालय, सॉरी दिल्ली सचिवालय, हमने सभी संगठन को आह्वान किया। उम्मीद करते हैं दूसरे संगठन भी आएंगे, फिलहाल चार संगठन। अगर इस पर भी केजरीवाल के द्वारा नहीं रोका गया ये, तो अगला रणनीति क्या करेंगे आप? अगला रणनीति तो हम लोग सब लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं क्योंकि मोदी सरकार ने भी अभी लागू कराने की हिम्मत नहीं की, हम उम्मीद करते हैं कि ये लागू नहीं कराएंगे। अगर ये करेंगे तो आंदोलन बड़ा होगा ये निश्चित। आपको लगता नहीं है कि किसान आंदोलन जिस तरह से सरकार बैकफुट पे आ गई उस तरह से ये इसको भी रणनीति बना के आगे किया जा सके? मैं कह रहा हूँ किसान आंदोलन का डर मोदी सरकार को सता रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार को अभी तक वो हिम्मत नहीं है। उसके अलावा भी हिंदुस्तान के मजदूरों ने हड़ताल की, दो हड़ताल की, तो मोदी सरकार को, केंद्रीय सरकार को अभी, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आम आदमी सरकार है, केजरीवाल की सरकार, वो इससे सबक ले, नहीं तो दिल्ली में बड़ी लड़ाई तो मजदूरों की होगी। थैंक यू। मेरा नाम सर्वेश कुमार। जयेश कुमार, यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन है? मैं IMK से हूँ। आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रही है इसमें क्यों इतनी कम संख्या है, क्या कारण रहा? अच्छा, किस ऑर्गेनाइजेशन से? मजदूर एकता केंद्र से। ठीक है, आपके साथ कितने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं? हमारे साथ कई ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में काम कर रहे हैं, और हम सब ने मिलकर आज जो यहाँ पे किया है केजरीवाल सरकार को ये बताने के लिए कि आप जो ये कानून ला रहे हैं, ठीक है, और केंद्र सरकार ने कानून पास किया जो जनता विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और आप उसे पारित करने में जो तत्परता दिखा रहे हैं, वो आपकी जो टेंडेंसी, आपका जो मंशा है पूंजीपतियों को लेकर किस तरह है, ठीक है, वो दिखाता है, और मजदूरों के खिलाफ आप किस तरह काम कर रहे हैं वो दिखाता है, तो उसके खिलाफ हम लोग यहाँ। तो आपको लगता है कि ये मोदी सरकार की राह पे भी केजरीवाल सरकार जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी सरकार की राह पर केजरीवाल बिल्कुल चल रहे हैं, ठीक है, जिस तरह वो लोगों को जनता के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं वो बताते कुछ है। जैसे मोदी सरकार आई थी वो विकास के घोड़े पर सवार होकर आए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, सर्वनाश करने में उतरे। उसी तरह केजरीवाल भी जनता हितेशी बन के आए, लेकिन अब जो चीज़ें कर रहे हैं वो ऊपरी वर्ग के पूंजीपतियों के हित में। तो आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में कुछ केजरीवाल को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, मजदूर एक बड़ा हिस्सा है, मजदूर इस देश में मेजॉरिटी में, मजदूर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मजदूर मजदूर है और वो मेजॉरिटी में, और उनको इसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद अगला रणनीति क्या होगा? अभी देखते हैं आगे। थैंक यू। इंकलाब जिंदाबाद, चारों लेबर जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। चार लेवल कोर्ट को एलओ है, जेएलसी है, डीएलसी है, लेबर इंस्पेक्टर है। तिरुपति के अंदर 25 वर्ष लागू हो जाते हैं, दिल्ली के शहर में लागू हो जाते हैं। तो जो आपके अधिकार थे, तो जो आपके जो कानून थे, वो खत्म हो जाएंगे। इसी को लेकर के कमरे दास जॉइंट ट्रेड यूनियन की तरफ से हम यहाँ पर दिल्ली सरकार को ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करने के लिए आए हैं कि इस कानून को दिल्ली सरकार लागू ना करे। कुछ नारे के साथ हम लोग हाथ ऊपर करके मुट्ठी बनाकर को नारे लगाए, इनकलाब हमारे लेबर कोड लागू करना नहीं चलेगा, केजरीवाल की सरकार दिल्ली में चारों लेबर कोड लागू करना नहीं, दिल्ली के मजदूरों में लागू करना नहीं चलेगा, केजरीवाल सरकार कॉर्पोरेट की दलाली करना बंद करो। कांग्रेस 2020 में मोदी सरकार कोविड लॉकडाउन के दौरान बिना बहस कराए, बिना मजदूरों की राय लिए साथी लोग आज मौजूदा सारे संगठन के साथी जंतर मंतर पर 3 बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया। साथियों को याद है, साथी लोग उधर आए और मोदी सरकार की अभी तक हिम्मत नहीं उसको लागू कराने का। 25 और 26 अगस्त को तिरुपति के अंदर पूरे देश भर के सब मंत्रियों को बैठक मोदी सरकार ने बुलाया, लेकिन इनके आपस की खींचातानी किसान आंदोलन का सबक जिसने तीनों काले कानून वापस कराए, किसान आंदोलन का सबक चारों लेबर कोड और उसके नियमों को मजदूरों के अंदर लागू कराना, आज का प्रचार किया है। ये चारों लेबर कोड दरअसल मालिकों को छूट दे, 12 घंटे ड्यूटी आवर्स की बात इस चारों लेबर कोड में की गई। ये चारों लेबर कोड ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार के ऊपर शंकुश लगाता, इसको ये अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन इसका विरोध हम लोग लगातार करेंगे, लगातार करते आए। दिल्ली सरकार का रिकॉर्ड क्या है? आखिर मोदी सरकार के 8-9 साल हो गए, दिल्ली सरकार के भी 7-8 साल से कम नहीं हुए। इसका रिकॉर्ड और केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में क्या फर्क है? क्या पर दिल्ली में एक लेबर ऑफिस के अंदर 9-10 लेबर इंस्पेक्टर होते थे, आज 1-2 लेबर इंस्पेक्टर रह गए। जब सरकार आई थी 90% मजदूरों को ग्रेड मिलता था, आज नहीं मिलता था, आज 95% मजदूरों को ग्रेड नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ये सरकार आई, लेकिन लड़ते हुए नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का बात करके सरकार आई, लेकिन तमाम लेबर ऑफिसर, तमाम दफ्तर इसके भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। पिछले 9 साल के अंदर एक भी कर्मचारी परमानेंट नहीं हुआ, एक भी कर्मचारी दिल्ली सरकार के तमाम कर्मचारी आज ठेके में है। आप बोर्ड के कर्मचारी की बात कर लीजिए, लेबर ऑफिस के कर्मचारी की बात कर लीजिए, केजरीवाल के दफ्तर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी बात कर लीजिए, अंदर पानी पिलाने वाले जो लोग हैं, मनीष सिसोदिया हिंदुस्तान दिल्ली का श्रम मंत्री के दफ्तर के बाहर तमाम लोग नीले पीले वर्दीधारी लोग हैं, एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं बचा है। इसलिए साथियों, विरोध जैसे हम लोग मोदी सरकार के खिलाफ करते हैं, उस तरह से हम लोग केजरीवाल की सरकार का भी उसी तरह से विरोध करेंगे। हमारे में से बहुत सारे ट्रेड यूनियन है जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हम लोग कहते हैं, जहां तक मोदी सरकार का सवाल है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है, हमने तमाम ट्रेड यूनियन को आज इन्वाइट किया, लेकिन जो हिंदुस्तान के बड़े ट्रेड यूनियन अपने आप को कहते हैं, जो लाल झंडा लेके चलते हैं, लाल झंडे का पैरवी करते कहने के पैरवी कहते कि हम लोग पैरवी करते हैं, आज बहुत सारे लोग जहां तक दिल्ली सरकार का सवाल है चुप्पी साधे बैठी हुई है। हम उन तमाम ट्रेड यूनियन से आह्वान करेंगे कि लड़ाई सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं है, लड़ाई जहां तक प्रादेशिक स्तर है, जहां तक छोटी फैक्ट्रियों का सवाल है, दुकानों का सवाल है, जहां पर जो है छोटे औद्योगिक इलाकों के अंदर वर्कशॉप का सवाल है, वहां पर केजरीवाल की नीतियां भी उतनी दमनात्मक नीति है मजदूरों के लिए जो मोदी सरकार बड़े उद्योगों के लिए करती है। केंद्र के अंदर जो तमाम